साहब का मिजाज तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, पर से इसकी माँ ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। हर बात में रोक टोक, हर वक्त आने, आखिर ये सब कब तक चलेगा? लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? कहीं ये सब कुछ बीवी जान की वजह से तो नहीं हो रहा? मैंने उनकी कॉल अटेंड नहीं की थी, तो कहीं उन्होंने गुस्से में आकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सारे ख्यालात मेरे काबू से बाहर चले जाएंगे। बीवी जान भी ना, तो इसके मुंह को ना पैसा लग गया है, जब तक लेगी ना जान नहीं छोड़ेगी। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? सायका बेगम, मेरी चाहत की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं चाहने पे आ गई तो थोड़े में गुजारा नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब की बात करो। मेरे मतलब को छोड़ो, अपने मतलब की बात सुनो। कहना क्या चाह रही हो? जितनी जल्दी हो सके मुझसे आकर मिले। आपके घर के हालात ठीक नहीं? हालात कैसे ठीक हो सकते हैं बीबी जान? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिखरता जा रहा है, और मेरे बेटे को तो उस नूर ने अपना गुलाम बना के रख लिया, और उसकी बड़ी कही। ऐसा लगता है जैसे महारानी ने आंखें उठा के अपने माथे पे रख ली हो। इसीलिए तो कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो मुझसे मिले। और हाँ, याद से पैसे लेकर आइए, क्योंकि इस बार मेरी किस्त डबल होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, करती हूँ, कुछ मिल जाएंगे पैसे। गॉड, डरा के रख दिया तुमने मुझे, तो जान निकाल दी, क्या हो गया? मामा, आपको कोई एहसास नहीं है, इतना सब होने के बाद भी आपने कोई सबक नहीं सीखा। क्या हो गया, क्या कहना चाह रही हो तुम? आप अभी तक उस जादूगरनी से बात करती हैं? अपने दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई? मामा, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माँ हूं मैं तुम्हारी, ये कोई भी माँ अपने बच्चों को कैसे बर्बाद कर सकती है अपने हाथों से? तुमने सोचा भी कैसे? आप जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त माएं सब कर सकती हैं। दुख की बात तो यह है कि आपको एहसास भी नहीं है कि आप क्या कर रही हैं। मिली तुम, आपको जो करना है आप करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मोहब्बत तो आप मुझसे छीन चुकी है ना, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है।